नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। तो दोस्तों, आज हम जो मसल्स है उसका क्रॉस सेक्शनल व्यूज का स्टडी करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मसल्स बंडल्स और मसल्स फाइबर्स आते हैं। तो एज यू जैसे कि देखते हैं कि यहाँ पे आपको बता दें, सबसे पहले ये जो फैसिकल्स हैं इनको मसल्स बंडल बोलते हैं। देखिएगा, जो फैसिकल्स हैं इनको हम मसल बंडल बोलते हैं, ये ठीक है। अब इनके बाहर जो लेयर होती है, जिससे देखिए, हेल्ड टुगेदर बाय ये कॉमन कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू, ये एक दूसरे से बाहर जो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होते हैं, जिसको हम फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिया। अब इसके बाद देखिए, इसके अंदर जो देखिए मसल्स फाइबर होते हैं, मसल सेल और मसल फाइबर, ये देखिए पर्टिकुलर मसल फाइबर हैं। तो इनके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलीमा बोलते हैं। अब इसमें ब्लड कैपिलरी भी होती हैं। तो देख लेते हैं एक बार से क्या है। लेट अस एग्जामाइन ए स्केलेटन मसल्स इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटन मसल्स इज ऑन इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ मसल्स बंडल और मसल्स बंडल और फैसिकल्स। अभी उनमें ये देखो, सभी ये मसल्स बंडल्स हैं। तो हेल्ड टुगेदर बाई ए कॉमन कोलेजनस कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू लेयर कॉल्ड फैसिया। तो ये एक दूसरे से जो बंधे होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल लेयर से कनेक्टेड टिश्यू की, इसको हम फेसिया बोलते हैं। ईच मसल्स बंडल कंटेन्स ए नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। तो इसमें जो बंडल्स में बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। मसल्स फाइबर इज लाइंड बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलीमा। तो जो मसल्स फाइबर के चारों जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। इनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। मसल फाइबर इज ए सेंसिटियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, और उसके सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। अनसेंसिटियम कंडीशन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज़ द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन्स। तो जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसी सेल्स में होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, जिसको कि स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन्स बोलते हैं। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पैरोलरी अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड माइक्रो मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। तो जो पैरेलली अरेंज होते हैं फिलामेंट्स सार्कोप्लाज्म में, इनको मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। ईच मायोफाइब्रिल हैज़ अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स। तो इनमें अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होती हैं। तो जो ए डिटेल स्टडी ऑफ मायोफाइब्रिल्स हैज इस्टेब्लिश्ड हैज दैट द स्ट्रिएटेड अपियरेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इम्पॉर्टेंट प्रोटीन। तो ये जो लाइट और डार्क बैंड होती हैं, जो दो प्रोटीन होती हैं एक्टिन और मायोशिन, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रिएशन होता है इन्हीं एक्टिन और मायोशिन प्रोटीन की वजह से। द लाइट बैंड्स कंटेन एक्टिन इज कॉल्ड आई बैंड, आइसोट्रॉपिक बैंड्स, और जो डार्क बैंड होती हैं उनको एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिगर में, तो ये मायोसिन है डार्क बैंड, और ये लाइट बैंड है एक्टिन, मायोसिन एक्टिन मायोसिन एक्टिन। तो ये पैरेलली अरेंज होती हैं टू दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। ये देखो, मायोफाइब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, और इसी के बराबर बराबर इस तरीके से पैरेलल अरेंज होती हैं। तो जो एक्टिन होता है उसको लाइट बैंड बोलते हैं, आई बैंड और थिन फिलामेंट्स, मायोसिन और डार्क बैंड, और ए बैंड और थिक फिलामेंट्स,
ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखिए, बोथ द प्रोटीन आर अरेंज्ड एज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू द ईच अदर एंड आल्सो टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर एज कंपेयर टू मायोसिन फिलामेंट्स, हैंस आर कॉमनली कॉल्ड थिन और थिक फिलामेंट्स। यानी जो थिक और थिन फिलामेंट्स हैं इस तरीके से, तो एक्टिन है उनको थिन फिलामेंट और जो मायोसिन है उनको थिक फिलामेंट्स कहा गया है। इन द सेंटर ऑफ द आई बैंड्स इज इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड जेड लाइन्स विच बाइसेक्ट्स। तो जो बीच में जो लाइन्स होती है आई बैंड्स के, उनको जेड लाइन्स बोलते हैं। द थिन फिलामेंट्स आर फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन्स। तो ये जेड लाइन से थिन फिलामेंट फॉर्मली अटैच। देखिए इस तरीके से आप इस फिगर में समझ सकते हैं, ये आपकी एक्टिन हो गई और इनके बीच में ये जेड लाइन्स है, ये जेड लाइन्स है और बीच में ये मायोसिन है। ठीक है, यानी कि ये एक्टिन है और बीच में ये जेड लाइन्स है इन दोनों के बीच में, और ये बीच में आपके मायोसिन हो गए। तो दो जेड लाइन्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम सारकोमियर बोलते हैं। तो देखिए अब द थिन फिलामेंट्स फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन्स। द थिक फिलामेंट इज द ए बैंड एंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल। दिस बैंड इज ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो जो एम लाइन होती है वो जो थिक फिलामेंट्स होते हैं उनकी ए बैंड्स के बीच में हेल्ड करती है। तो ए एंड आई बैंड्स आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायो फाइब्रिल्स। द पोर्सन ऑफ द मायो फाइब्रिल्स बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन्स इज कंसिडर टू ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सार्कोमियर, जैसा कि अभी हमने बताया था। तो इन द रेस्टिंग स्टेट द एज ऑफ थिन फिलामेंट्स ऑन अदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट्स पैरेलली ओवरलैप द फ्री एंड्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स लीविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट्स। द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द थिक फिलामेंट्स नॉट ओवरलैप बाई थिन फिलामेंट्स इज कॉल्ड एच जोन। तो जो एक्टिन होती हैं वो मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करती हैं, यानी थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप करता है, और जो पोर्शन रह जाता है थिक फिलामेंट्स का उसको एच जोन कहते हैं। ये ए बैंड पर होता है, ठीक है, ए बैंड पर एच जोन होता है। ये ओवरलैप नॉट ओवरलैप ओवरलैप नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही याद रखिएगा, इस तरीके से देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है। ये आपकी जेड लाइन्स हैं, जेड लाइन्स बिटवीन दी टू एक्टिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स के बीच में दो जेड लाइन्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है उसको सार्कोमियर कहते हैं। दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। सार्कोमियर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये दी थिक फिलामेंट्स हैं, थिक फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं करते हैं, जबकि थिन फिलामेंट्स होते हैं वो थिक फिलामेंट्स के ऊपर ओवरलैप करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा इस तरीके से। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।